वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, टेक्निकल पिक। आप हमें मेल करिए, व्हाट्सएप करिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रही है। पे करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, रेजर पे के लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करने के बाद सर्विस को एक्टिवेट कर लीजिए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। लर्न एंड अर्न बाय यूट्यूब। अगर आप अपना YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप हमसे सीख सकते हैं लर्न ऑनलाइन के माध्यम से। ये पेड सर्विस है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक क्योंकि रेजर पे की है, पे करने के बाद आपकी सर्विस एक्टिवेट कर दी जाएगी। आज हम जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल कई वजह से सुर्खियों में बनी रही है, और क्यों सुर्खियों में है इसका भी हम आपको रीजन बताएंगे। पहले हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि कंपनी का क्या व्यवसाय है, कंपनी क्या काम करती है। फ्यूचर रिटेल, जैसा कि कंपनी के नाम में ही है, ये रिटेलिंग का काम करते हैं। आपके सामने कुछ पिक्चर्स फ्लैश हो रही हैं, इसके माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि ये बिग बाजार ब्रांड इन्हीं का ही है। बिग बाजार के माध्यम से ये रिटेलिंग का बिजनेस करते हैं। इनके कुछ फेमस ब्रांड आपके स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रहे हैं, जैसे कि बिग बाजार, ईजी डे क्लब, फ्रेश, WH स्मिथ, फूड हॉल, FBB, इनके कुछ फेमस ब्रांड्स हैं। फ्यूचर रिटेल सुर्खियों में है क्योंकि फ्यूचर रिटेल का अमेजन के साथ विवाद चल रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जो इनकी डील होने वाली थी वो भी पेंडिंग हो गई है, और इन पर कोर्ट केस चल रहे हैं, जिसके कारण ये कंपनी विवादों में चल रही है और हमेशा न्यूज और सुर्खियों में रहती है। अगर आपने फ्यूचर रिटेल के शेयर्स बाई किए हैं या आप इनमें इन्वेस्टर हैं, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। पहले तो हम इनके बिजनेस बता दें, ये कौन कौन से बिजनेस करते हैं। तो इनके रिटेल के बिजनेस हैं, पहला है हाइपर मार्केट एंड सुपर मॉल। इस बिजनेस में बिग बाजार ब्रांड इनके पास है, बिग बाजार, ईजी डे क्लब, FBB, फूड हॉल, हाइपर सिटी, फ्रेश, फूड वर्ल्ड, WH स्मिथ जैसे ब्रांड इनके पास हैं। दूसरा है लाइफस्टाइल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि ईजोन के नाम से ये चलाते हैं। अब हम इसके स्टॉक के बारे में बताएंगे आपको कि इसके रिटर्न कैसे रहे हैं। तो इसका करंट मार्केट प्राइस है 49.70 का, और इसमें 1.02% की तेजी देखी जा रही है। वन वीक में 2.05% की तेजी है, वन मंथ में 1.39% गिर चुका है, वन ईयर में 37.88% गिर गया है, थ्री ईयर्स में 88.49% की गिरावट है, फाइव ईयर्स में 71.04% की गिरावट है। टेक्निकल चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक जो है अपने 200 एमए और 50 एमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी इसमें बायर्स बढ़ गए हैं, इसलिए स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। शॉर्ट टर्म में इसमें आपको 51.48 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक आपको 53.57 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। फिफ्टी टू वीक लो 40.55 का है, 52 वीक हाई 83.45 का है। फंडामेंटल्स, इसकी मार्केट कैप है 2668 करोड़ की। पी रेशियो बहुत ज़्यादा है 280.29 का, क्योंकि इसके स्टॉक की प्राइस तो अधिक है लेकिन अर्निंग बहुत कम होने से इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया है। पी भी 2.44 का है। इंडस्ट्री पी 13.06 का है। अपने इंडस्ट्री पी से बहुत ही हायर पी पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी नेगेटिव है, -120.88% की। ईपीएस माइनस
है, बुक वैल्यू -22.51 है, रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में इनकी रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। प्रॉफिट जो है इनके सभी प्रॉफिट नेगेटिव में है, नेटवर्थ जो है इनके नेगेटिव में चली गई है, ईयरली नेटवर्थ काफ़ी कम हो चुकी है 2021 में, प्रॉफिट इनकी नेगेटिव में है 2021 में, रेवेन्यू जो है बहुत कम हो चुकी है 2021 में। शेयर होल्डिंग की बात करें तो रिटेल एंड अदर्स के पास 27.28% की होल्डिंग है, प्रोमोटर्स के पास 18.24% की होल्डिंग है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास केवल 2.85% की होल्डिंग है। इसकी न्यूज हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, S&P डाउनग्रेड फ्यूचर रिटेल टू SB आफ्टर डिफॉल्ट। तो फ्यूचर रिटेल ने डिफॉल्ट कर दिया है, इसलिए S&P ने इनकी रेटिंग को SD कर दिया है। क्या माजरा है आपको हम पूरी डिटेल बताएंगे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ऑन वेंसडे डाउनग्रेड फ्यूचर रिटेल लिमिटेड लॉन्ग टर्म इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम CCC टू SD आफ्टर द कंपनी फेल्ड टू रिपे द प्रिंसिपल ऑन इट्स डेट। फ्यूचर रिटेल के पास जो कर्ज था उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी ये नहीं दे पाए हैं, इसलिए इनकी जो रेटिंग है CCC से घटाकर SD कर दी गई है। वॉलेट इन्वेस्टर वेबसाइट पर लाए हैं और वहां पर आपको 1 ईयर का फोरकास्ट दिख रहा है 2.9 रुपीज, तो इस स्टॉक का करंट प्राइस है 49.7 रुपीज। 1 साल में इसके स्टॉक प्राइस 2.9 रुपीज तक भी जा सकते हैं, ऐसा मानना है वॉलेट इन्वेस्टर .com की वेबसाइट का। किन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, कौन से स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई रेजर पे के लिंक पर क्लिक करके सर्विस को एक्टिवेट कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन न्यूज स्टॉक मार्केट की आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आप सीखना चाहते हैं YouTube के माध्यम से और अर्न करना चाहते हैं तो लर्न ऑनलाइन सर्विस आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, रेजर पे के लिंक पर क्लिक करिए और इस सर्विस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप अपना खुद का YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।